भाई कोरमा बनाना सिखाएंगे। भाई कितनी प्याज काटी आपने? दो काटी मैंने प्याज लिए। हाँ सही है। तुम सीधी बात कर दूंगा बताना। कर दे, मैं लगा दूँ। और टमाटर कितने? टमाटर दो अदर। और मिर्चें? मिर्चें तीन अदर। और क्या डालेगा? मैंने साइज की। और क्या डालेगा? और इनमें अदरक लहसुन प्याज ये सब हो गया, गरम मसाला, जीरा, अच्छा हल्दी, पिसी हुई मिर्च, कुटी मिर्च। घर पे आप बनाते हैं? घर पे नहीं बनाता हूँ, सब खाते हैं, उंगलियाँ खा जाते हैं अपनी, इतनी इतना लजीज होता है। ये क्या तेल और चिकन पड़ा हुआ है? ये तेल और चिकन। वो पीछे जरानी साहब क्या करने जा रहे हैं? वो अभी जो है आग लगाने जा रहे हैं। अच्छा, उनका काम वैसे ही आग लगाने का? हाँ। अच्छा, हर जगह आग ही लगाते हो? तो बैठ के काटने हो क्या? डॉक्टर ने मना किया आपको? इधर से जोर सही लगता है, बैठ के जोर नहीं लगता। अच्छा हैं? हाँ अलग अलग रखिएगा यार, जलानी प्याज ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो लो अभी तो आप काट के बना। अच्छा। इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटे, बारीक बारीक। अच्छा। और कोई जल्दी जो ना फ्राई हो जाएगी। अच्छा, जब टाइम कम हो ना तो बारीक बारीक काटें ताकि फ्राई जल्दी हो। और कोई टिप बताएं? मोटी अगर काटेंगे तो आप उलझ जाएंगे, उसी को जो ना घूमते रहेंगे तक के। अच्छा, पोजीशन भी यही रखनी है काटते हुए? हाँ, पोजीशन तो यही रखनी है, पोजीशन चेंज नहीं करनी है। तो इसमें लहसुन और अदरक नहीं डलेगा? लहसुन अदरक डलेगा भी, जरा ये चीज़ काट लें यहाँ प्याज। अच्छा ठीक है ना, उसके बाद इंशाल्लाह लहसुन भी काटेंगे, दो जगह, दो से तीन जगह ले लें, पर ज़्यादा नहीं। अच्छा, यानी कि हमको बिल्कुल जो ना वो ना दें, बिल्कुल सुकून दें उसको, आराम आराम, काम पे भी आए, घर पे जाके पकाएं, ठीक है ना? सही, बिल्कुल जो ना सहूलत बिठाओ बस। यानी ये जो आप कुकिंग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं वो घर की सहूलत के लिए? देखा, मेरी शादी नहीं हुई है ना, नहीं कर रहा हूँ वो गाना गाना जुड़ को गिला बस, वो समझ लें उस पर अमल करें। चले अब हम जलाने की तरह देखें वो कैसे आग जला रहा है, देख के आते हैं उसको। ये आउटडोर कुकिंग सिखा रहे हैं जलानी साहब आपको आग लगाने का तरीका। ये बहुत अच्छे हैं आग लगाने में। आपने लगवाई है? हमें तो पता है आपने कहाँ कहाँ आग लगाई है। आपको कैसे पता? हमें तो पता है ना कितने तेज हैं आप आग लगाने में, है ना? ऐसी आग लगाते हैं कि हर चीज़ जल के राख हो जाती है। बता तो दें कैसे आग लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये चंद लकड़ियों के नीचे ईंधन बनाने के लिए आपको चॉपर रखनी पड़ती है। चॉपर जो है आपका ईंधन का काम करेगा, इससे ये है कि आपको विश्वासी का सामना नहीं होगा और जल्द जल्द आपकी आग जल जाएगी। उसके बाद फिर आपने जो पकाना हो उस पर आप रखें, बड़ा आसानी आपका पक सकता है। इसमें आपको देर भी लगी, वक्त भी कम, वक्त की बचत है। ये चूल्हा आपने कहाँ से बनाना सीखा? ये देसी चूल्हा है, आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। पहाड़ों पे आप रहते हैं, पहाड़ों पे आप बनाना चाहेंगे, यही तरीका अपनाएं आप, पहाड़ों पे आप खाना आसानी बना सकते हैं। तो इसमें आपने पेट्रोल, मिट्टी का तेल कुछ भी नहीं डाला? ये ईंधन का काम जो है ना, नीचे हमने जो शॉपर डाली है ना कचरे की, ये वो करेंगे। चंद लम्हे में आप देखेंगे ये आग पकड़ लेंगे। देख रहे आप ईंधन का काम शुरू हो गया, देसी तरीका, आउटडोर कुकिंग। आउटडोर कुकिंग कहीं भी आप जाएं पिकनिक पार्टी में या दौरान सफ़र आपका मूड हो ना, आप इसी तरह चार पत्थर जमा करें और आग लगाएं। आग लगाने के लिए तजुर्बा नहीं होना चाहिए, तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए, हाँ। घर में भी आग लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, घर पे भी आप आग लगा सकते हैं। देखें विद इन एक मिनट के अंदर आग जबरदस्त जल चुकी है। बिल्कुल, और क्या। ये देखें ये आग लग चुकी है बहुत अच्छी। अभी इन्होंने पतीली रख दी है गर्म होने के लिए। अब बाकी कुकिंग यही बताएंगे हमारे कुकर। ये घर पे भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बिल्कुल। कितने साल का तजुर्बा हो गया घर पे खाना बनाते हुए?
उम्र तो वैसे मेरी अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना अभी मेरा, लेकिन तजुर्बा जो है ना वो 55 का है, 55 का हो गया तजुर्बा, 55 का है शनाख्ती कार्ड, लेकिन अभी नहीं बना आपका। तो अप्लाई कब करने जाएंगे शनाख्ती कार्ड? अप्लाई करेंगे यार कुछ खाने पका के, कुछ जान बना, कुछ जान आ जाए फिर। अच्छा ये लगता है बुझ गई है, धुआं जल ली है। अच्छा ये पक्की वाली आग लगाई, पक्की वाली? हाँ वो नजर आ रही है हल्की सी। और इसमें खुशबू भी जबरदस्त होगी सालन में। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि आप इसकी शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले आप इसमें तेल गरम करें। हम थोड़ा डाल चुके हैं, थोड़ा मजीद ही डाल रहे हैं ताकि कम लग रहा था हमें। अब ये हो गया लेवल, सही है ना? ये 4 से 5 आदमियों का खाना बनाने के लिए आपने ये तेल डाल दिया इसमें, उसके बाद मजीद इसकी कार्रवाई करेंगे। और सबसे पहले क्या डालेंगे तेल गर्म होने के बाद? 1 2 3 कम ऑन, लाइन चल रहा है, आप सुन सकते हैं ये हमारे जेलानी साहब को। नहीं डालेगा अबे यार, तू बताइए, मजाक मजाक में सारी डलवा दी थी। मैं मना कर रहा था इतनी बहुत, नहीं ये ना इतना बहुत ज्यादा बिचारा। मैं बोल रहा था डाल, अरे तूने 3 का 4 काट दी, 2 ही काट नहीं तू देख रहा था, वो टमाटर इधर लाल हो जाए चटका रख देना। ये बताओ कुकर कौन है, ये या आप है? मिक्स। अच्छा ये मैं बोलता हूं इतना डालो, वो बोलता है इतना डालो, मैं बोलता हूं इतना डालो, वो बोलता है इतना डालो, ये गिरेगा नहीं? तो ये यानी स्पेशल चीज बनेगी, स्पेशल बनेगी। जैसे अभी तेल पे हो रही थी, तेल ज्यादा है, एक बोलता तेल कम है, हम यही करते हैं। और अंडिया लजीज बनती है, बिल्कुल देसी है, देसी बिल्कुल देसी। आप पहाड़ों पे जाके बनाए ये बिल्कुल देसी खाना, समंदर के किनारे बैठ के बनाए ये, कोई वो या मरी जाके बनाए, जायका बराबर आएगा, देसी फुल देसी। और कितनी देर में बन जाएगी डिश ये? आप आधे घंटे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजेदार खाना। खाने का वाला जो बंदा है ना वो एक्सपर्ट होना चाहिए। बस और किसी के लिए पैगाम? ये जो घर की खवातीन जो पकाती हैं ना खाना, खास तौर पे इनके लिए, ये जितने साफ सुथरा और ये और वो, इससे लज्जत नहीं आती है खाना हमेशा। जब भी आप पकाएं थोड़ी सी मट्टी शट्टी चली जाए, थोड़ा दाग धब्बा चला जाए, यही लज्जत चला करता है, परेशान नहीं हो, खिला दें। आजकल लोग कोरोना से बचने, कोरोना से बचने फिर भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। वहाँ का सुनती लगा दे कम से कम। खाना बनाने के साथ साथ गाने भी गाते जाएं, टाइम पास का, ताकि टाइम पास हो जाए। शुगर मेला लगा रहे ना, खाना मजेदार बनता है, आपको बोरियत का एहसास नहीं होता। फिर साइड में छोटी छोटी लकड़ियां आग उठा के डालते रहे, आग भड़कती रही, आग भड़कती रही, आग नहीं बुझनी चाहिए, आग नहीं बुझनी, आग भड़कनी चाहिए, भड़कनी चाहिए। प्याज कहीं भी आग लगाए जिंदगी में याद रखें, आग में आप कहीं बुझ गए आग, आप कामयाब नहीं रहेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए ढकना जरूरी है क्या? ढकना इसलिए जरूरी है, गरम गरम बनेगी। मैंने आपको पहले क्या कहा था, बारीक प्याज काटें ताकि जल्दी भुनेगी। ढकना ढकने की वजह यह है कि प्याज जल्दी भुनेगी, आपकी जो ईंधन है ईंधन बचेगा, वक्त बचेगा, वक्त बचेगा, बिल्कुल सही है, जल्द से जल्द होता है काम। इसको बताने के सिर्फ इसकी ना 5,000 रुपये फीस रखी थी हमने आपको, ये बगैर मशवरा जो दिया है ना आपको फ्री। ये घर की औरतों को नहीं पता, ये नहीं पता, उनको पता ही नहीं है, वो गैस फ्री की है ना, गैस फ्री की, फुल चोला खोला हुआ है, भुन नहीं रही, भुन नहीं रही, कहाँ से भुनेगी, खोल के रखा हुआ चलाया चली जा रही है, कहाँ से भुनेगी। यार मूवी इस तरह बना रहे हैं आप, शादी में जाके तो रातों में मूवियाँ नहीं बनाते? मैं पहले यही करता था ना, यही करते थे मूवी, अंदाजे से मुझे लग रहा है आप एक आंख बंद करके ना मूवी बना रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि औरतें भी ताड़ते होंगे। ये गर्मी का भी पता चलना चाहिए कि कितनी गर्मी लग रही है, ये एहसास करना चाहिए उन मजदूरों का जो तंदूर के आगे होते हैं, पकवान वाले हैं आपके सामने कबगीरे चला रहे होते हैं, और शादी ब्याह में खूब आधा खाती हैं आधा फेंकती हैं, और उसके बाद उनको दलील कर रही होती हैं, और उसके बाद बोलती खाना मजे का नहीं था, ये कम था, वो पसंद नहीं था, ये सही नहीं था, उनका एहसास कौन करेगा? एहसास करना चाहिए इंसान को। मक्खियाँ बैठ रही चिकन पे, थोड़े थे।
और ये तो जल गई साइडों से लाल, तो कुछ भी नहीं। ये जलना ही जो ना इसका स्वाद आता है, स्वाद थोड़ा सा जलना भी है ना स्वाद आता है। देख रहे हैं आप किस किस्म की भुनाई हो रही है। ये है मेहनत, मक्खियाँ लग रही है, कोई मसला नहीं, मक्खियों से भी लज्जत पैदा होती है। अदरक कोई बात नहीं, डाल अंदर पक जाएगा सब कुछ ऐसा, लहसुन अदरक टमाटर। ये तो बताया नहीं, सब कुछ मिक्स कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सब मिक्स कर दिया ना। तो नमक कहाँ है? नमक नमक का मसला नहीं है, नमक ऊपर से ही डल सकता है। अच्छा, कोई कम खाता है, कोई तेज खाता है, कोई मसला नहीं है। आग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो कोरमा मसाला तो लाए नहीं? कोरमा मसाला नहीं, कोरमा मसाला ये सब केमिकल और ये चीज़ें नहीं, ये जो आते हैं बने हुए पैकेट ये वो नहीं, हम सारा जो ना हाथ से पीटते हैं वो बनाते हैं। आपको वो भी किसी और रेसिपी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम जो है ये मसाले पीसते हैं, खुद पीसते हैं। आपको भी मेहनत होती है ना, उसमें लज्जत कुछ और होती है। जैसे आप सिर्फ और एक आप ब्लेंडर में चटनी बनाए, आपको पता चल जाएगा जमीन और आसमान का फर्क। लेडीज ने तो आसानी पैदा कर ली है, बस गिलेंडर मारी दे दी। जब सिल पे चटनी पिसती है ना प्यार और मोहब्बत की, सिलो भट्टे की रगड़ाई से, वो लज्जत कुछ और होती है। डाल देना, डाल देखें आप, ये चिकन डाली जा रही है, चिकन डाली जा रही है बिल्कुल साफ सुथरी चिकन। देखा है आप? पता नहीं, ये नहीं सोचते छोटी है, हमने जानबूझ के छोटी ली है ताकि मिल के रहे, बिल्कुल बॉडी से बॉडी मिल ही रहे, मोहब्बत रहे जरा। ये जो उसमें बड़ी उसमें पकाते ना थोड़ी सी वो फैल जाती है बॉडी में, मोहब्बत नहीं होती है। कुछ हो ना और बंदा काम करे तो समझ में आता है। पानी डाल दे गिलास में। पानी लो, थोड़ा सा लिया एक गिलास, आधा गिलास एक गिलास, चिकन थोड़ा अच्छा पक जाए। मसाले जरा डाल दे, थोड़ी सी पूरी में डाल दी आपने, पूरी में डाली लगकर आई आपको जल्दी करा के आई। इसमें आपने डाल दी हल्दी, हल्दी की मर्जी आपने डाल दी, डाल दो एक एक डेढ़ चम्मच ज़्यादा ना हो, हड्डियों को आपकी मजबूत करती है, खाने में मज़ा करती है। ये डाल दी, ये तरीका थोड़ा सा डाल दी। अभी तो वो मिर्चें भी तो डाली थी पीसी हुई, अभी लाल मिर्चें है। ये क्या पूरे दुनिया के मसाले डाल दोगे, पूरे जहान के क्या? नहीं लहसुन वो क्या नाम उसका, सारी मिर्चे वगैरह मसाले, गरम मसाले भी है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नाम है, तेज पत्ता नहीं डाला, तेज पत्ता नहीं डालना, तेज पत्ता काला करता है सालन, लाल नहीं हो काला हो। और
थोड़ा पानी डाल के फिर ढक के रख दें पकने के लिए। हाँ जलानी साहब कुछ कह रहे थे, ये 70 रुपये की चिकन और 20 रुपये का मसाला, 90 रुपये में लश पश चार बंदे खाएंगे, गरम गरम तंदूरी नान के साथ और मज़ा ना आए पैसे वापस। थोड़ा चमचे बोला है ये देखें ना भी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हंडिया, क्या खुशबू है, ये हंडिया चिकन है हमारी फ्रेश होटल, ये देख रहे हैं खुशबू, सुन रहे हैं आप कैसी मज़ेदार खुशबू खुशबू आ रही है। थोड़ा थोड़ा ना इसको वक्त से हिलाते हैं ताकि नीचे लगे भी नहीं, क्योंकि ये आग ज़रा ऊँची नीची होती है, कोई गैस पे नहीं है, इसका भी अंदाज़ा आपको करना पड़ेगा कि जो है माल मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा हिला दिया, बजा दिया, ढक दिया। आपने ये ढक्कन पतीला बजाना है, आपने पब्लिक के लिए बजाना है, ये अभी ज़्यादा से 5 मिनट लगेंगे, ये हंडिया चिकन आपकी तैयार है नान के साथ, बेहतरीन आप सलाद थोड़ी सी ले लें, बेहतरीन आप मज़ा आ जाएगा। कुछ चंद लकड़ी है, कोई ज़्यादा लवाजबाद की ज़रूरत नहीं है, छन्नी और तो ये और वो, उसमें धुलेगा और उसमें पकेगा, उसमें फ्राई होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं, एक ही हंडिया में सब, इसीलिए इसका नाम रखा गया हंडिया चिकन। यानी आउटडोर बंदा कहीं जाए आराम से, आराम से, हाँ ये जो ना एक चम्मच एक हंडिया होनी चाहिए बस। बस खाना बना रही क्या? अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। बोटिया चेक कर लें, ये रहे, ये भी गल गई, ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें शुरू रखा है ताकि मज़ा आ जाए नान के साथ। देखिए ना भी, जैसा कि आपको मालूम है ये तैयार हो चुकी, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की है चिकन हंडी, हंडिया चिकन हमारी तैयार हो चुकी। इसको धीमी आंच पे जो है 5 से 10 मिनट बस रखें, ये हमारा तो टाइम हो गया, मैं आपको बताना भूल गया, 5 से 10 मिनट रखें धीमी आंच पे, और ढकना बंद करके रखेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन वक्त से चेक करते हैं। नीचे ही लग रही यार, पतीली वो है यार, इसको प्लेट में निकालते हैं, नमक डालते हैं, नमक भी डालेंगे। हाँ जी, जैसे आपको मालूम है हमारी हंडिया चिकन तैयार है, अब हम इसको उठाएंगे, कोई चीज़ नहीं पकड़ने के लिए, सारा देसी तरीका, ये देखा, इसको शॉपर में निकाल लो, नहीं नहीं कितने में डिश बनाई? 150 में, बिल्कुल बेहतरीन, रोटी के साथ, रोटी के साथ। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं आप, बेहतरीन सालन तैयार है, ठीक है, साइड में डाल दें, नहीं नहीं फिर उसे कैसे ले लें, क्या डाल रहे हो आप? नमक, हजब हजब जाएगा, नमक डाल, नमक ऊपर से डालें और हाथ से डालें, चम्मच से नहीं। ओहो, क्या आप देसी का चाय, क्या स्वादी हो कुछ तो। आया उस्ताद,
अमीर भाई आए ना, चुटाई जरा चक तो लो यार। कोरमे आटा चाहिए, ये देसी सुलेमानी कोरमा। वाह कैसा स्वाद लगा आपको? अनवार को ज्यादा अच्छा लग रहा, रुक ही नहीं रहा। बहुत बेहतरीन है, आप पकाएं ट्राई करें, बहुत जबरदस्त। लेकिन तरीके का यही होना चाहिए।